भगवान शिव का धाम केदारनाथ एक नहीं बल्कि कई रहस्यों का घर है। महाभारत काल में इसका निर्माण पांडवों के द्वारा किया गया था। उसके बाद समय समय पर यहाँ पर कई प्राकृतिक आपदाएं आई, लेकिन मंदिर हमेशा सुरक्षित रहा। यहाँ तक कि एक समय में तो मंदिर 400 वर्षों तक बर्फ में दबा रहा, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। 2013 में आई भीषण आपदा में भी केदारनाथ के पीछे चमत्कारिक रूप से भीमशिला आ गई, जिससे मंदिर की सुरक्षा हुई। केदारनाथ का रहस्य इसके निर्माण से लेकर बाद में हुए कई चमत्कारों को समेटे हुए है। आज हम आपको एक एक करके केदारनाथ के सभी रहस्य बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जब आप केदारनाथ जाएंगे तो देखेंगे कि मंदिर का निर्माण कटवा के भूरे रंग के विशाल पत्थरों, चट्टानों और शिलाखंडों से किया गया है। इनको जोड़ने के लिए आपस में इंटरलॉकिंग की गई है। केदारनाथ मंदिर समुद्र तल से 22,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। अब रहस्य की बात यह है कि इतनी ज्यादा ऊंचाई पर इन पत्थरों और शिलाखंडों को कैसे पहुँचाया गया था, साथ ही इन्हें कैसे एक के ऊपर एक रख कर मंदिर का निर्माण किया गया। केदारनाथ मंदिर एक ऐसे भव्य निर्माण की आज के समय में केवल परिकल्पना ही की जा सकती है। पांडवों के बाद इस मंदिर का पुनः निर्माण आदि शंकराचार्य के द्वारा किया गया था। इसके बाद उन्होंने इसे मंदिर के पीछे समाधि ले ली थी, जो आज तक वहां है। इसके बाद 10वीं से 13वीं शताब्दी के बीच कई भारतीय राजाओं के द्वारा मंदिर का पुनः निर्माण करवाया गया था, जिससे इसका जीर्णोद्धार हुआ था। वाडिया इंस्टीट्यूट हिमालय के द्वारा किए गए शोध में ये बात सामने आई थी कि 13वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक ये क्षेत्र पूरी तरह से बर्फ से ढक गया था। तब लगभग 400 वर्षों तक केदारनाथ मंदिर पूरी तरह से हिम से ढका रहा। इस कारण भी मंदिर को कोई क्षति नहीं हुई थी। इसके प्रमाण आज भी मंदिर के दीवारों पर देखने को मिल जाते हैं। हालांकि 17वीं शताब्दी के बाद जब हिम का अनुपात कम हुआ तो मंदिर पुनः दृष्टि में आया। इसके बाद से केदारनाथ की यात्रा पुनः सुचारू रूप से चालू की गई थी। केदारनाथ मंदिर से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर प्रसिद्ध भैरवनाथ जी का मंदिर स्थित है। इसे इस क्षेत्र का क्षेत्रपाल भी कहा जाता है, जो इस मंदिर की सुरक्षा करते हैं। सर्दियों के महीने में दीपावली के अगले दिन से केदारनाथ मंदिर के कपाट भीषण बर्फबारी के कारण बंद कर दिए जाते हैं और उसके 6 महीने के बाद मई महीने में अक्षय तृतीया के दिन खोले जाते हैं। मान्यता है कि इन 6 महीने में मंदिर की सुरक्षा का भार श्री भैरवनाथ जी ही संभालते हैं। जो भी भक्तगण केदारनाथ मंदिर के दर्शन करने हेतु यहां आते हैं, उन्हें पहले श्री भैरवनाथ जी मंदिर के दर्शन करना अनिवार्य होता है, अन्यथा केदारनाथ की यात्रा विफल मानी जाती है। सर्दियों के महीने में जब केदारनाथ मंदिर 6 महीने के लिए बंद हो जाता है, तब यहाँ रहस्यमय तरीके से अखंड ज्योत लगातार 6 महीने तक प्रज्वलित रहती है। दीपावली के बाद यहाँ पर भीषण बर्फबारी का दौर शुरू हो जाता है, जिस कारण केदारनाथ भगवान के प्रतीकात्मक स्वरूप को नीचे ऊखी मठ के ओमकारेश्वर मंदिर में स्थापित कर दिया जाता है। इन 6 महीनों में वहाँ के स्थानीय लोग वहाँ रह नहीं पाते हैं। इस कारण वहां से सभी श्रद्धालु, भक्तगण, स्थानीय नागरिक, दुकान वाले, उत्तराखंड सरकार के अधिकारी इत्यादि सब नीचे आ जाते हैं। 6 माह तक ये स्थल एकदम सुनसान रहता है और केदारनाथ धाम जाने के सभी मार्ग भी बंद हो जाते हैं। जब मंदिर के पुजारियों के द्वारा 6 महीने के बाद केदारनाथ धाम के कपाट खोले जाते हैं, तब भी वहाँ अखंड ज्योत जलती हुई मिलती है। साथ ही ऐसा प्रतीत होता है कि कल ही यहाँ किसी ने पूजा की थी। 6 महीने तक मंदिर बंद रहने के पश्चात भी ऐसा प्रतीत होता है कि मंदिर की अच्छे से साफ सफाई की गई है। ये केदारनाथ मंदिरों के रहस्य में से सबसे बड़ा रहस्य है। वर्ष 2013 में उत्तराखंड और केदारनाथ में आए भयंकर त्रासदी के बारे में कौन नहीं जानता होगा। उस समय आसमान से इतनी भयंकर मेघ गर्जना और वर्षा हुई थी जितनी संभवतः आज तक कभी नहीं हुई। उस आपदा में लगभग 10,000 से भी ज्यादा श्रद्धालु मारे गए थे। सभी नदियां उफान पर थी और हर जगह भीषण बाढ़ आ गई थी। तब बाढ़ का प्रचंड रूप केदारनाथ मंदिर की ओर भी बढ़ रहा था। केदारनाथ मंदिर के पीछे जो आदि शंकराचार्य का समाधि स्थल था, वो पूरी तरह से बाढ़ में बह गया था।
इससे पहले कि बाढ़ का पानी केदारनाथ मंदिर के पास पहुंचता, उससे पहले ही चमत्कारिक रूप से एक विशाल चट्टान पानी में बहती हुई आई और ठीक मंदिर के पीछे रुक गई। इसी चट्टान से टकराकर पानी का बहाव दो भागों में बट गया और मंदिर के दोनों ओर से आगे निकल गया। आज हम इस चट्टान को भीमशिला के नाम से जानते हैं। जो भी केदारनाथ मंदिर के दर्शन करने जाता है वो इस चट्टान की भी पूजा करता है। मान्यता है कि स्वयं महादेव ने मंदिर की सुरक्षा के लिए इस भीमशिला चट्टान को केदारनाथ धाम भेजा था। इन सभी रहस्यों के अलावा एक बात और है जो हम आपको बताना चाहते हैं। दरअसल पुराणों की भविष्यवाणी के अनुसार भविष्य में इस संपूर्ण क्षेत्र के तीर्थ लुप्त हो जाएंगे, जिनमें केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम प्रमुख है। पुराणों के अनुसार एक दिन नारायण की शक्ति से पहाड़ों का मिलन होगा और बद्रीनाथ तथा केदारनाथ के मार्ग लुप्त हो जाएंगे। इसके बाद एक नए धाम का उदय होगा जिसे भविष्य बद्री के नाम से जाना जाएगा। तो दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।